हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप वॉच लिस्ट के अंदर कितने स्ट्रोक मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं और आप नई वॉच लिस्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे और उन नई वॉच लिस्ट में आप कितने स्ट्रोक कैसे कैसे आप उसको ऐड करेंगे और कभी आपको ये लगे कि मैं वॉच लिस्ट डिलीट करनी है तो आप उस वॉच लिस्ट को कैसे डिलीट कर पाएंगे और नई जो वॉच लिस्ट उसको आप कैसे क्रिएट कर पाएंगे, एक एक करके आप सब समझ जाएंगे आपको कितनी मैक्सिमम वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं माय वॉच लिस्ट, ये मैंने एक वॉच लिस्ट क्रिएट करी हुई है जिसके अंदर अभी करंट में 5 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पर ब्रिटानिया, टाटा पावर, HDFC बैंक, कोटक बैंक और L&T। अगर मैं चाहूँ कि मैं 6 स्टॉक इसमें ऐड करना चाहूँ तो आप कैसे ऐड करेंगे, आप कोई भी स्टॉक सर्च स्टॉक पर जाएंगे, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए कोई स्टॉक हीरो मोटो को ऐड करना चाहते हैं तो मैंने ये डाला, इसको मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद किस सिंबल में आप ऐड करना चाहते हैं, NSE BSE, मैं NSE पे क्लिक करूँगा तो सिंबल एडिड सक्सेसफुली, अभी मेरा मतलब कि ऐड हो चुका है इसके अंदर। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर आ चुका है हीरो मोटो को। इस तरफ अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, आप मैक्सिमम 50 स्टॉक एक वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब जिस तरह भी 6 स्टॉक है इसके अंदर, इस तरह 50 स्टॉक एक में ऐड कर सकते हैं। और मैक्सिमम वॉच लिस्ट कितनी बना सकते हैं, 5, तो एक में 50 होंगे तो टोटल आप 250 स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जितनी आप 5 वॉच लिस्ट बनाएंगे, एक के अंदर आपके 50 स्टॉक होंगे। अब बात करते हैं आपको वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। आप स्क्रीन पे देखेंगे ये एक सिंबल आएगा, इसके अंदर एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखो ये मेरी एक वॉच लिस्ट है, इसके अंदर 6 स्टॉक है यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको नई वॉच लिस्ट बनानी है तो क्या एक ऑप्शन आएगा क्रिएट वॉच लिस्ट, मैं अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ तो लिस्ट का नाम मांगेगा आपको, क्या लिस्ट का नाम देना, आप कुछ भी दे सकते हैं, Nifty 50, Nifty 100 या जो आपका नाम चाहे, मेन स्टॉक्स, मैं यहाँ पर निफ्टी मेन डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो मैं क्रिएट करूँगा तो मतलब वॉच लिस्ट एडिट सक्सेसफुल, ये मतलब एक वॉच लिस्ट बन चुकी है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं बैक जाऊंगा, यहाँ पे बैक करने के बाद आप देखेंगे ये यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी निफ्टी में। तो यहाँ पे अभी क्या है, कोई स्टॉक ऐड ही नहीं करा हमने तो यहाँ ब्लैंक शो, ब्लैंक का मैसेज आपके पास दिखेगा। आपको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी तरह आप कोई भी स्टॉक सर्च कर लें, यहाँ पर आपने करा टाटा मोटर्स को पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ उसको BSE को ऐड करूँ तो मैंने BSE पे ऐड करा तो सिंबल एडिट सक्सेसफुली, तो निफ्टी मेन के अंदर आपका ये एक स्टॉक ऐड हो चुका है। इसी तरह आप एक एक करके 50 स्टॉक इसमें ऐड कर सकते हैं, तो मैंने ये दूसरी वॉच लिस्ट बनाई, इसी तरह आप तीसरी वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, 5। अभी यहाँ पर देखेंगे पहले वाली थी, अभी जो हमने क्रिएट करी थी इसमें एक स्टॉक दिखा रहा है, इसमें 6 स्टॉक, तो हम तीसरी वॉच लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने क्रिएट वॉच लिस्ट पर क्लिक करा, इसका दे दिया 3rd, मान को मतलब तीसरी वॉच लिस्ट। सेम ऐसे ही इसमें आपको स्टॉक ऐड करने हैं तो आप 3rd पे जाएंगे, 3rd पे जाने के बाद आप यहाँ पे वही स्टॉक का नाम डालेंगे, कुछ भी आपने यहाँ पे डाल दिया टाटा पावर NSE के अंदर, तो आपका ये ऐड हो चुका है। इसी तरह ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस वाले साइज भी ऐड कर सकते हो, मान के चलते हम इसी के अंदर हम चाहते कोई स्टॉक ऑप्शन का यह ऐड करें, हम एग्जांपल के लिए लेते हैं GE Entertainment, इसको मैंने क्लिक करा, इस पर क्लिक करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सितंबर की एक्सपायरी 255 का मुझे कॉल ऑप्शन ऐड करना है, इस पर ऐड करूँगा तो आपका वहाँ पे एक्सपायरी में कॉल ऑप्शन दिख जाएगा, इसी तरह टाटा पावर। इस तरह आप ये 5 वॉच लिस्ट बना सकते। अब हम बात करेंगे आप उसको डिलीट कैसे करेंगे, आप वापस फिर इस पर जाएंगे स्क्रीन सेटिंग पर तो आपके पास ये ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे डिलीट का, जितनी भी आप वॉच लिस्ट को डिलीट करना चाहें तो आप उसको एक क्लिक से पूरी वॉच लिस्ट डिलीट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि मैं वॉच लिस्ट में से एक स्टॉक को डिलीट करूं बाकी स्टॉक सेम रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम बैक चलते हैं वापस, मान के चलते हैं हमने एक वॉच लिस्ट बनाई निफ्टी में, मैं चाहता हूँ इसी स्टॉक को मैंने डिलीट करना, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करते रहेंगे तो आपके पास ये कि पेज ओपन हो जाएगा, तो पेज ओपन होने के बाद आपके पास ये दिखेगा डिलीट का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टॉक डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक ऑप्शन आएगा सेव, आपको सेव करना है, सेव करने के बाद देखो आपका ये डिलीट हो चुका है।
इसी तरह आप स्टॉक को डिलीट कर सकते हैं। अगर पूरी आपको डिलीट करनी वॉच लिस्ट, आप वापस इसमें जाएंगे, वापस जाने के बाद इन तीनों में से कोई भी वॉच लिस्ट आपको डिलीट करनी है उस पर आप क्लिक करेंगे। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने निफ्टी मैन को डिलीट करना है, डिलीट वॉच लिस्ट यस कर दिया। इसी तरह थर्ड को डिलीट करना है, ये थर्ड आपको डिलीट कर दिया। तो आप बैक जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे अभी जो निफ्टी मेन आ चुका था इसके बाद वो हट चुका है। इसी तरह आप मैक्सिमम 50 स्टॉक एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं, टोटल स्टॉक आप 250 ऐड कर सकते हैं। एक स्टॉक भी आप रिमूव भी कर सकते हैं, पूरी वॉच लिस्ट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने एक एक करके आपको बता दिया कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, कैसे वॉच लिस्ट को क्रिएट करना है, कैसे आपको उसको डिलीट करना है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।